नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी, आपको पता है जैसा कि कल भाई आया था, भाई दूज लेके कपड़े, और अहोई अष्टमी पे आशु ने भी मुझे कपड़े दिए थे, मुझे और इनके कपड़े दिए थे। तो मैंने सोचा कि चलिए आज आपको मैं दिखा देती हूँ कि मुझे क्या क्या कपड़े मिले हैं। गिफ्ट समझ लीजिए, तोहफे समझ लीजिए, उपहार समझ लीजिए, जो भी मर्जी समझ लीजिए। तो ये है कपड़े सारे के सारे, तो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ एक एक करके। तो जी, ये है आपके लाडले का, बाल गोपाल का, ये कृष्णा का, ये है कृष्णा का जोड़ा, और ये है इसकी पजामी। तो सर्दियों के हिसाब से ही मम्मी ने कपड़े दिए हैं। ये कपड़े जो मैं अभी दिखा रही, ये मम्मी ने दिए हैं, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। तो ये है कृष्णा का जोड़ा एक, और जी एक ये है रूही का जोड़ा। तो ये है ऊपर का टॉप, रूही पीयू की दोनों की नाप सेम सी है, थोड़ा बहुत हाइट का फर्क है, बाकी नहीं। ये है उसकी क्या बोल लग रहे हैं टॉप, और ये इसके ऊपर की जैकेट। तो रूही को जो है जैकेट वाले कपड़े बहुत पसंद है, तो इसलिए मम्मी ने दिए हैं। और ये है इसकी पैंट, तो पैंट थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही इसकी, कोई बात नहीं। तो ये हो गया रूही का जोड़ा, ये जैकेट होगी, ये हो गया टॉप, और ये होगी पैंट। तो सुंदर लग रहा है इसका भी ना। और इनके ये कपड़े मतलब पूरी बाजू के ऐसे हैं, नीचे इनर डाल के सर्दियों में भी आराम से डाल लो इन्हें कपड़ों को, और गर्मियों में भी। तो जी, ये हो गए रूही के कपड़े। ये है पीहू रानी का कपड़ा, तो ये एक प्लाजो सूट है, तो ये है उसका फ्रॉक ऊपर का। छोटा लग रहा क्या? नहीं, ठीक है, मुझे छोटा लग रहा। एक साइड से बड़ा, एक साइड लॉन्ग है। इस पे यहाँ मोती लगे हुए हैं ऊपर गले पर, ये बाजू पे भी आगे, और ये इसका नीचे का है। ये लग रहा मुझे छोटा पीयू के हिसाब से, है ना? है ना? नहीं, ठीक आएगा वैसे। वैसे तो कपड़ा अच्छा लग रहा है, कॉटन का है, अच्छा है, फैब्रिक भी बहुत है, अंदर इनर भी है इसके। तो ये है पीयू का जोड़ा, और पीयू को दिखाया था तो पीयू को बहुत पसंद आया था, क्योंकि पीयू को इस तरह की ड्रेसेज बहुत अच्छी लगे बजाय फ्रॉक वगैरह के। तो जो ड्रेसेज बड़ी पहन बड़े पहनते हैं ना पीयू को, वे ड्रेसेज ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये है पीयू का, ये हो गया ऊपर का फ्रॉक सा, और ये नीचे क्या है, ये शरारा है ना? गरारा। हाँ चलो, गरारे शरारे जो भी है हमें नहीं पता लगता। तो ये हो गया पीयू का। ये है मास्टर जी का, पतिदेव जी का कुर्ता पजामा, आजकल इन्हें चढ़ा हुआ शौक कुर्ते पजामे का। तो ये देखो कपड़ा, देखिए उसका हाथ लगा कर कितना सॉफ्ट है, एकदम सब बिल्कुल बढ़िया वाला। बना लोगे इसे तो, है ना? अब दिवाली पे डाल लियो, बना लियो इसको, ये कुर्ता पजामा है इनका। और वो दुई बाजू तो बनाइयो ना, जैसे उसकी ब्लू वाले की बनाई, पूरी बाजू बनाइयो, पूरी अच्छी लगे उनके नीचे इनर वगैरह। तो ये इनका प्लेन कुर्ता पजामा है। क्या कलर है जी? क्रीम, पीला पीला सा लग रहा है। तो नहीं, क्रीमिश है, येलोइश क्रीम। तो ये है इनका जोड़ा, तो ये भी मम्मी ने भेजा है अपने जमाई राजा की पसंद का ध्यान रखते हुए। तो ये आ जाते हैं मेरे कपड़े। ये है मेरा सूट, डार्क ब्राउन कलर का, ये इसका दुपट्टा है, और ये है कमीज। तो एक सेकंड में खोल के दिखा दूं, मैंने भी नहीं देखे ढंग से खोल के, ऊपर ऊपर से ही देखे ये मैंने भी। मैंने कहा जब आप सबको दिखाऊंगी तभी देखूंगी मैं भी ढंग से, तो मैंने देखे नहीं थे। तो ये है सूट, ये इसकी बाजू दिखे है। मैंने सोच रही हूँ पल्लो पे है डिजाइन कुछ बड़ा बड़ा सा। नहीं, ऐसे ही पल्लो पे है ना, ये पल्लो पे आ गया ये वाला। हाँ, वो गला आ गया ऊपर, ये गला हो गया। हाँ, ये और ये बाजू, पर इसकी सलवार कंट्रास्ट में नहीं है। मैंने सोचा इसकी सलवार इस फिरोजी से कलर में होगी, पर इसकी तो सेम कलर की सलवार है। सेम अच्छा लग रहा है वैसे। क्या बनाया जा रहा है? ग्लेश कॉटन है, देखेंगे उसी टाइम जब बनेगा। बस बनागा तो पता नहीं कब। तो मेरे तो पिछली बार जो माई के सा कपड़े आए थे ना जी मेरे, अब तक इन्होंने काट छाट का दरक के सिलाई नहीं मारी तो एक सूट आया, इसको बिछा रहने देना ऐसे, इसके ऊपर ही बिछा। और ये है इसका दुपट्टा, प्लेन दुपट्टा। मेरे पास इस कलर के थे भी नहीं, और मेरे पे लाइट लाइट शेड कुछ ज्यादा ही हो रही, तो इस बार मैंने मम्मी को बोला था, मैंने कहा मेरे कपड़े जो दोगे डार्क कलर के दियो। तो ये मम्मी ने एक भेजा है सूट, और ये दी है साड़ी।
तो जी ये है मेरी साड़ी ग्रीन कलर की। तो ये वाला जो ग्रीन है मेरे पास था ही नहीं। ये क्या, मेरे पास ग्रीन कलर की ही साड़ी नहीं थी। तो जब मैं पिछली बार कपड़े लेके आई थी घर से, मम्मी ने दिए थे जब मैं घर गई थी अपने मायके, तो तब भी मुझे ग्रीन कलर की साड़ी नहीं मिली थी। तो मम्मी को इस बार मिल गई, तो मम्मी मुझे फोन करके बता रही थी कि इंदु तेरी पसंद का कलर मिल गया और बिल्कुल लाइट वेटेड साड़ी है। कौन सा कपड़ा है जी इसका, साड़ी का? सिल्क है, प्यारी सिल्क है बहुत ही। और इसमें मतलब जो बल है वो बहुत प्यारे आएंगे, प्लेट है इसके, कपड़े सही लग रहा। और इसमें ना नीचे नीचे की साइड सारे में ये स्टोन लगे हुए हैं, नीचे नीचे की साइड देखो यहाँ ना, जहाँ प्लेटों की साइड और पूरे पल्ले पे इस तरीके से। और ये लगी हुई है लेस। तो मम्मी को पता है कि मैं ज्यादा हैवी काम वाले कपड़े नहीं डालती। मम्मी को क्या, सभी को ही पता है कि मैं कैसे कपड़े डालू। और ये साइडों में लगे हुए हैं इसके, क्या है ये? ये टसल, टसल, टसल बोल रहा है ना, टसल से बोलते हैं, लटकन भी ये है। इस पे तो रेड कलर का भी ब्लाउज चल जाएगा ना इस पे भी। तो ब्लाउज मुझे किसी साड़ी पे बनवाने की जरूरत नहीं है, एक रेड कलर का ब्लाउज और सारी साड़ियां जिंदाबाद उसके साथ। ये इसका ब्लाउज है, तो ब्लाउज का कपड़ा मुझे इतना बढ़िया नहीं लग रहा, ब्लाउज नहीं अच्छा। तो ये बॉर्डर लग जाएगा ना बाजू वाला, हाँ जैसे पहला लगा रखे जिन पर उनके सही हो इस पर लग जाए। तो ये है जी साड़ी मेरी, और बहुत प्यारी साड़ी है, कलर एकदम से निखर के आ रहा, देखो अच्छी लग रही ना जी। और कपड़ा भी बहुत प्यारा कपड़ा है, बाकी साड़ियों से अलग कपड़ा है इसका। तो ये साड़ी है और सारी में इस पे नीचे बस ये सितारे ये लगी हुई लाइने से पूरे पे नीचे। तो जी ये कपड़े तो थे जो कि मुझे दिए हैं मम्मी ने, जो भाई लेके आया है कल। तो आसू ने भी होली अष्टमी पे कपड़े पूजे थे मेरे और इनके, तो वो भी मैंने आपको दिखाई नहीं। कपड़े तो हैं पर ये दिखा दूं मैं पहले, जो मम्मी ने श्रृंगार का सामान भेजा ये भेजी है चूड़ियां इस साड़ी के साथ की हैं, ये प्लेन। तो क्योंकि मैं प्लेन ही ज्यादातर डालती हूँ, तो ये इसी साड़ी के साथ की प्लेन चूड़ियां दी है मम्मी ने, ग्रीन कलर की। बॉटल ग्रीन कलर है ना जी। और ये दिए हैं प्योर रुई के कंगन, दोनों बहनों के हैं ये, दोनों दोनों साइज के हैं दो दो। और जी ये मेहंदी की कीप दी है, ये नेल पेंट दिया है सूट के साथ का डार्क शेड का, ये है सिंदूर, ये बिंदी और ये एक रबड़ बालों की। तो पांच चीजें होगी, पांच सात चीजें होगी ये इसकी। तो ये मम्मी ने दिए हैं जो घर से आया है सामान वो। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो आसू ने कपड़े दिए थे। तो ये आसू ने दिया था मेरा सूट, तो सूट आपको पता ही है घर पे काम करते हैं कपड़े का, तो उन्हीं में से ही हमने पसंद किए थे। आसू को भी मैंने उन्हीं में से ही पसंद करवाया था और मैंने भी उन्हीं में से ही पसंद किया था। तो ये है कमीज, किधर से है जी? ऐसे दिए तो दोनों तरफ बॉर्डर है इसमें, तो वो एक साइड बाजू का बॉर्डर है। अच्छा हाँ, तो किधर से बनवा लो इसे? तो अच्छा इधर सा कमीज है यार, नहीं वो बाजू है, ये फ्रंट का घेरा है ये वाला, और ये बैक में, और ये बैक साइड का घेरा है। अच्छा, और ये गले का पट्टी। तो सूट तो है जी बिल्कुल सिंपल, और ये है इसकी नीचे की सलवार, मान लो सलवार प्लाजो जो भी है, लेकिन देखने की चीज जो है वो है इसका दुपट्टा। और मुझे इसका दुपट्टा इतना अच्छा लगा, कंट्रास्ट में इसका दुपट्टा था बहुत ही सुंदर। ये देखो, मतलब जो और सूट थे उनके जो दुपट्टे थे वे सेम कलर के थे फैब्रिक, मतलब सूट के साथ के, लेकिन इसका दुपट्टा कंट्रास्ट में था। और ये शेड मेरे पास थी भी नहीं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली शेड। और स्टॉल लुक है ये, है तो दुपट्टा, लेकिन जो स्टॉल वाले सूट आते हैं ना अब सर्दियों में आते हैं जो, वो वाली लुक इसकी है। और दुपट्टे का कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है, वैसे वाला कपड़ा नहीं है ना जिसका जैसा दुपट्टों का हो। नहीं नहीं ये अलग है, ये कपड़ा भी अलग ही है दुपट्टे का। कल को चाहे इसका सूट भी बनवा ले तो सूट भी बहुत प्यारा लगेगा। तो जी ये सूट है, और ये नहीं ये दुपट्टा है इसका, और ये है सूट। देखो कितना प्यारा वर्क है, और कहीं कहीं को ना इस पे छोटे छोटे से सितारे से लग रहे, कहीं कहीं को सिप्पी हो ये। अच्छा मैं इन्हें सितारे ही बताऊं। तो ये है, तो ये तो दिया है आसू ने सूट। तो जी ये तो हो गया सूट, और इसके साथ उसने दी थी मुझे इसी सूट से मैचिंग ये चूड़ियां, और इसके साथ नेल पेंट भी था, लिपस्टिक थी, बिंदी थी, और एक था सिंदूर। तो ये पांच चीजें दी थी उसने मुझे। तो जी ये तो हो गए मेरे कपड़े, और ये दिए थे उसने इनके कपड़े।
तो पैसे दे देते हैं इनको पहले ही अपनी पसंद के लाने के लिए, क्योंकि बाद में फिर छोटे बड़े हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। हमने भी जिज्जा जी के ऐसे ही किए थे कि उनको दिखा दिए थे कैसे थे कैसे नहीं पसंद से। तो यहाँ पे ये रुमाल है, ये जुराब है, और ये है बनियान, और ये है इनकी क्या है, ये टी शर्ट है गर्म वाली या इनकी टी शर्ट है, तो ये सर्दियों में डल जाएगी अब जाना। तो ये है इनकी टी शर्ट पोलर बियर की, पोलो बियर की। और ये लाए हैं ये इसके साथ पैंट, ये है पैंट। तो ये इनकी अपनी पसंद का जोड़ा है, तो अच्छा लग रहा था और इन दोनों की मैचिंग भी अच्छी लग रही थी। तो जी ये हैं सारे गिफ्ट जो मुझे मिले हैं, और इसके साथ मम्मी ने ये खील दी है, बहुत सारी खील हैं, खील पतासे, और मिठाई भी थी, मिठाई फ्रिज में रखी और आधी हमने खा भी ली। तो जी ये गिफ्ट हैं जो मुझे फिलहाल के त्योहारों पे मिले हैं, भाई दूज पे मिले हैं, होली अष्टमी पे मिले हैं। तो इनमें से आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, भर भर के सब्सक्राइब करें, भर भर के लाइक करें। आपके साथ लाइक की, सब्सक्राइब की, सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और आप ही के सपोर्ट से सब कुछ चलता है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना ढेर सारा प्यार हमें दें, तो हम आपके लिए ऐसे ही नए नए और अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तो जी फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।